जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपका सीआरपीएफ के सेकंड लिस्ट को लेकर के। देखिए साथी, मैंने आप सभी साथियों को पहले भी बता रखा था भाई कि आपका देखिए जो पहले लिस्ट आई थी दोस्तों, वो करीब करीब 68,000 के आसपास कैंडिडेट की थी, क्योंकि आपको पता टोटल आपके 1,365 भर्ती के लिए दोस्तों, आपकी वैकेंसीज के लिए आपकी भर्ती समय चल रही है। और आप लोगों ने देखा साथी कि इन 68,000 कैंडिडेट में से भी दोस्तों इनको 1,300 कैंडिडेट नहीं मिल पाए। यानी आप देख रहे हो अभी तक जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इन टाइपिंग एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें 100 में कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, यानी दोस्तों मैंने अभी तक जो कवर किया है, यानी 100 में से दोस्तों 6 बच्चा क्रॉस नहीं किया। आप समझ सकते हो कि अभी भी साथी आपका कुल कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो 500-600 के आसपास ही टोटल। अभी दोस्तों आधी वैकेंसी पूरी पूरी खाली है। और इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि सीआरपी में दोस्तों आपका एडिशनल रिजल्ट यानी आपका सेकंड लिस्ट जारी किया, जिनमें दोस्तों अगर बात करें आपका काफी मात्रा में कैंडिडेट को पास किया। भी दोस्तों देखेंगे आप 1,41,000 के आसपास कैंडिडेट को टोटल पास कर दिया गया। अभी देखिएगा साथ ही, अगर इससे भी आपकी ये भर्ती फुल नहीं होगी तो आपकी थर्ड लिस्ट भी आएगी। आप समझ सकते हैं कि कितना कम कट ऑफ जाने वाला। और देखिए जिनके भी साथी जो है, अगर थोड़ा सा भी नंबर आपके ज्यादा हैं यानी आप देख सकते हो, तो आपके पूरे पूरे चांसेस भाई, देखिए जो टाइपिंग पास करेगा समझ लीजिए वही इसका कट ऑफ रहेगा। ज्यादा बढ़ने बढ़ने वाला आपका कट ऑफ नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। आप सभी साथी यहाँ पर खुद ही देख रहे हो कि आप इन्हीं इतनी कम भर्ती के बीच में तो इतना ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब साथी देखिए, मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे साथी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, देखिए जिनका सेकंड लिस्ट में आया है अभी, जिनके पास भाई एक हफ्ते का भी समय है अपनी टाइपिंग को बेहतर तरीके से करते हो, देखिए 5% का इरर साथी आपका माफ़ है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, तो जितना आपसे हो सके उतना प्रैक्टिस करने का प्रयास करो। देखो ऐसी जॉब दोस्तों आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। यानी दोस्तों आप फोर्स में भी हो करके भी साथी आपको एक बेहतरीन जॉब मिलने वाली है। और आप यहाँ पर डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन रहे हो, सोचिएगा आपकी कितनी जबरदस्त जॉब है। तो मैं आपको बता दूं साथी कि सीआरपीएफ में देखिए ये वैकेंसी फिर आपका 1-1.5 साल बाद ही आपको देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए जिन साथियों का सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया, देखिए सेकेंड लिस्ट यहाँ पर आ गई है, आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए आपकी सेकेंड लिस्ट अभी जो है आपका आ चुकी है। आप लोग जा करके अपना अपना नाम चेक कर लीजिए, अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, और सभी साथी अच्छे से जा करके अपना एग्जाम दीजिए और अच्छे से आप लोग क्वालिफाई करने का भी प्रयास करो। साथ ही अगर जैसे और कुछ आपकी अपडेट होगी उसको लेकर के आप सभी साथियों के साथ जुड़ता रहूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों को।